नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि अगर माता और पिता यानी फादर और मदर का ब्लड ग्रुप हमें पता है तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे पता करेंगे। आज तक हम लोग में से बहुत कोई ये डायरेक्ट रट लेते थे, समझते नहीं थे कि कैसा होगा, तो आज उसको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे ह्यूमन में चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ। ठीक है, ये तो फिनोटाइप क्लासिफिकेशन के अनुसार हो गया। एक होता है जीनोटाइप के क्लासिफिकेशन के अनुसार। जीनोटाइप यानी कि हमारे जीन्स जो होते हैं, जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, उसके अनुसार हमारे ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो जीनोटाइप होगा IA IA और IA IO। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो होगा IB IB और IB IO। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो होगा IA IB। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो IO IO। ये चार्ट को आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तब आप किसी भी पेरेंट्स का अगर ब्लड ग्रुप दिया हुआ है तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर फादर का मान लीजिए ए बी है या फिर मदर का ओ है, ये एक्सचेंज भी हो सकता है, मदर का ए बी हो या फिर फादर का हो, मतलब पेरेंट्स में से किसी एक का अगर ए बी हो और दूसरे का अगर ओ हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप। देखिए, अगर फादर का ए बी है तो पता है इसका जीनोटाइप क्या होगा, IA IB। अगर मदर का ओ है तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, IO IO। अब जैसे IA IB है और IO IO है तो इसके कितने ग्रुप होंगे वो बनाने की कोशिश कीजिए आप। जैसे दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं, चार ग्रुप होंगे, तो चलिए सबको ग्रुप बनाते हैं। पहला से AIA से ये वाला IO तो IA IO, ये वाला IA से ये वाला IO तो होगा IA IO, ये वाला IB से ये वाला IO तो हो जाएगा IB IO, और ये वाला IB से ये वाला IO तो हो जाएगा IB IO। अब देखिए, चार कॉम्बिनेशन हमने बना लिए। अब देखिए, ये है IO IA IO, एक किसका जीनोटाइप होता है ए का, ए आई वो किसका यूनिटाइप होता है ए का, एक इस आई बी आई वो किसका यूनिटाइप होता है बी का, और आई बी आई वो किसका यूनिटाइप होता है बी का। तो अब समझ गए हम लोग कि अगर फादर का ए बी हो, मदर का ओ हो, या फिर एक्सचेंज भी हो, मदर का ए बी हो या फादर का ओ हो, तो उनके बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, वो ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर ब्लड ग्रुप बी होगा। चलिए एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर फादर का जो जीनोटाइप है वो IA IB है और मदर का है IA IB, तो फिर से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए। IA IB दो यहाँ पे है और IA IB दो यहाँ पे है, तो टोटल चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, कोशिश कीजिए बनाने का। तो देखिए, पहला IA से पहला IA एक बन गया, पहला IA से ये वाला IB IA IB हो गया, इस वाला IB से इस वाला IA से IA IB हो गया, और इस वाला IB से इस वाला IB हो जाएगा IB IB। अब आपको अगर जीनोटाइप का जो चार्ट था पहले याद होगा, तो देखिए IA IA कौन सा ब्लड ग्रुप से डिपेंड करता है, ए से, IA IB ए बी से, IA IB ए बी से, और IB IB बी से। यानी कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB या फिर B, तीनों पॉसिबल है। चलिए एक और टाइप देखते हैं। अगर फादर का ओ हो ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखिए, फादर का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो इसका जीनो टाइप क्या होगा, IO IO। मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका जीनो टाइप क्या होगा, IO IO। अब इनका पेयर बनाने की कोशिश कीजिए, तो पेयर सबका IO IO ही बनेगा। देखिए, इस IO से इस IO बन गया, इस IO से इस IO ये IO IO, इस IO से इस IO IO IO, और इस IO से इस IO हो जाएगा IO IO। यानी कि हर एक, और ये IO जो बना है ये किसका जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप ओ का, ये IO किसका जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप ओ का। तो यानी कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ ही आएगा जी। चलिए अगला ब्लड ग्रुप देखते हैं। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए हो और मदर का ब्लड ग्रुप बी हो, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। एक बात आपको बता दें,
अगर ब्लड ग्रुप ए है तो जीनोटाइप जो होता है मैक्सिमम जीनोटाइप में वो होगा आई ए आई वो, यानी कि 75% ज़्यादा केसेस में आई ए आई वो होता है। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप जो होगा वो 75% ज़्यादा केसेस में आई बी आई वो होता है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आई ए आई वो लेंगे ब्लड ग्रुप ए के लिए और आई बी आई वो लेंगे ब्लड ग्रुप बी के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। उसी अनुसार हमने ले लिया है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो इनका जीनोटाइप जो होगा आई ए आई वो, और मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो उनका जीनोटाइप ले लिया मैंने आई बी आई वो। अब पेयर बनाइए, देखिए इस आई ए से इस आई बी पहला एक हो गया, इस आई ए से ए आई वो दूसरा हो गया, इस आई वो से ए आई बी ए हो गया, और इस आई वो से इस आई वो हो गया। अब देखिए आई ए आई बी जो है ये किसका जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप ए बी का। आई ए आई वो ये किसका ब्लड ग्रुप है, ए का। और आई बी आई वो ये किसका जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप बी का। और आई वो ये किसका जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप ओ का। यानी कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, ये दोनों एक्सचेंज भी हो सकता है कि मदर का ए हो फादर का बी हो, तो भी इनके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी ओ और ए बी। इस तरह से आप अगर फादर और मदर का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप आप निकाल सकते हैं, जो आप आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, अगली बार फिर ऐसी वीडियो लेकर के मैं आता रहूँगा, तब तक धन्यवाद।